हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज के बारे में। यह 2021 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या इसका महत्व है, आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। हरियाली तीज का जो व्रत है विशेष महत्व रखता है सुहागिन महिलाओं के लिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य होने का वर प्राप्त करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी आयु होती है, घर में सुख समृद्धि, पति की निरोगी काया मिलती है और साथ ही जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वह भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से पूर्ण हो जाती हैं। इस वर्ष 2021 में हरियाली तीज जो कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला है वह 11 अगस्त बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है। विशेष रूप से जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं या जीवन की कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करती हैं विशेष फल देने वाला होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाया जाता है। तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी 10 अगस्त 2021 मंगलवार की शाम 6:11 से और साथ ही तृतीया तिथि समाप्त होगी 11 अगस्त 2021 बुधवार की शाम 4:56 तक। हरियाली तीज का व्रत रखने की तारीख जो रहेगी वह है 11 अगस्त 2021 के दिन यह व्रत किया जाएगा। तीज का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। विशेष रूप से उत्तरी भारत में हरियाली तीज तो पूर्वी भारत में इसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पंजाब और उत्तर प्रदेश की सुहागिन स्त्रियां खासकर नवविवाहितें इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं। इसके पीछे यह कहानी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को विवाह के लिए बहुत अधिक तपस्या की थी। उसी की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर आज ही के दिन यानी श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तीज को माँ पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे शादी करने का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मेहंदी इत्यादि लगाकर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। हरियाली तीज की प्रथम रात्रि से ही विशेष रूप से प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, तामसिक चीज़ें और 16 श्रृंगार इत्यादि कर लेना चाहिए। हरे रंग के वस्त्रों का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। हरी चीज़ों को इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान के समक्ष पूजा का संकल्प ले। मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिवलिंग श्री गणेश जी महाराज और माता पार्वती की प्रतिमा बनाए। विशेष रूप से बालू की प्रतिमा इस दिन विशेष महत्व रखती है, रेत आता है जो, और इसे चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करें और विधि विधान से पूजन करें। हरियाली तीज का व्रत रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। फिर जो थाली है सुहाग की सामग्री को सजाकर माता पार्वती को अर्पित करती हैं और साथ ही भगवान शिव को वस्त्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। अंत में हरियाली तीज का जो व्रत है उसकी कथा सुनकर आरती इत्यादि की जाती है। विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से ही महिलाएं जो माता पार्वती हैं उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था माना जाता है। इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वर के रूप में जो इच्छा है तुम्हारी मांगो ऐसा कहा था और उसी के प्रताप से माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। यह दिन अपने आप में अद्भुत होता है और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस वीडियो में हमने हरियाली तीज से संबंधित समस्त जानकारियाँ ली। वीडियो आपके लिए यूजुअल हो तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।